हेलो फ्रेंड्स, शिकार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे प्रदेश में निष्ठा प्रशिक्षण चल रहे हैं। दीक्षा पोर्टल पर तीनों मॉड्यूल नंबर 4, 5, 6 का लिंक लाइव हो चुका है, जो सभी टीचर्स को 1 नवंबर से 15 नवंबर तक पूरा करना है। और साथियों, इसी बीच जनपद अलीगढ़ में मिशन प्रेरणा क्विज भी कराई गई है। इस क्विज में आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो इसी के विषय में है। मैं आपको बताऊंगा कि इस मिशन प्रेरणा क्विज में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करेगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें, तो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक को ओपन करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि मिशन प्रेरणा क्विज जनपद अलीगढ़ में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न था, बच्चों के संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक विकास में प्रभावी कड़ी क्या है? शिक्षण, शिक्षण संग्रह, शिक्षण की सीढ़ी, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे विचार से बच्चों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक विकास यदि करना है, तो शिक्षण प्रभावी होना चाहिए। तो इसका पहला विकल्प सही है, शिक्षण। इसमें शिक्षण पर हम इस विकल्प नंबर 1 शिक्षण को चूज करेंगे। पहला जवाब सही है इसका, शिक्षण। अगला प्रश्न, सीखने के क्रियाकलापों को जोड़ने हेतु आप किसका प्रावधान करेंगे? पाठ्य पुस्तकों का, अंतः पाठों का, पुस्तकालय, प्रयोगशाला का? तो इसका सही जवाब है अंतः पाठों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट, वेब लिंक, शैक्षिक साहित्य की सूची, हेल्पलाइन, संपर्क सूत्र इत्यादि का विवरण किस हस्तपुस्तिका में दिया गया है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो विकल्प है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण, आधारशिला, शिक्षण संग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मित्रों, शिक्षण संग्रह। ये सब शिक्षण संग्रह में दिए गए हैं। अगला सवाल, शिक्षण संग्रह, आधारशिला, ध्यानाकर्षण आदि हस्त पुस्तिकाओं के विकास में किस किसने अपना योगदान दिया? NCERT, गुणवत्ता प्रकोष्ठ, समग्र शिक्षा एवं संबद्ध गुणवत्ता समूह, इग्नस या फिर यूनिसेफ? तो मेरे विचार से तो इसमें इन सभी का योगदान है, और वो विकल्प है नहीं, तो हम तो इसमें उपरोक्त सभी को चूज करते। वो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो मेरे विचार से चारों सही है इसके, इसमें हम लिखेंगे उपरोक्त सभी। अगला सवाल, बच्चों के आगामी जीवन की आधारशिला कौन सुनिश्चित करता है? विद्यालय में शिक्षक का स्नेहपूर्ण एवं संवेदनशील व्यवहार, विद्यालय की व्यवस्था, ICT का प्रयोग, उपयुक्त सभी? तो इसका सही जवाब है, विद्यालय में शिक्षक का स्नेहपूर्ण एवं संवेदनशील व्यवहार बच्चों की आगामी जीवन की आधारशिला को सुनिश्चित करता है। अगला सवाल, निम्न में से किसका उपयोग कर शिक्षक अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को रोचक एवं बाल केंद्रित बना सकते हैं? ध्यानाकर्षण, आधारशिला, शिक्षण संग्रह, उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी कि ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह को अगर हम उपयोग करें, तो हम अपने कक्षा शिक्षण को रोचक और बाल केंद्रित बना सकते हैं। अगला प्रश्न, सुश्री वंदना गुप्ता ने शिक्षण संग्रह मॉडल के निर्माण में किस रूप में अपना योगदान दिया है? चित्रांकन, संपादन, तकनीकी सहयोग और समन्वय? सही जवाब है चित्रांकन। सुश्री वंदना गुप्ता ने शिक्षण
जो संग्रह मॉड्यूल है हमारा, इसके चित्रांकन में अपना योगदान दिया है। अगला प्रश्न, किसी गतिविधि के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला विकल्प, शुरुआत रोचकता और चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम से हो, कोई भी गतिविधि 4 चरणों में पूरी की जाए, गतिविधि सीखने के लक्ष्य एवं लर्निंग आउटकम से जुड़ी हुई हो, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, मानसिक सक्रियता किसका संकेतक है? सीखने का, सिखाने का, शिक्षण का, उपरोक्त सभी। सही जवाब सीखने का। अगला प्रश्न, केंद्रीय लर्निंग आउटकम भाषा विकास के कौन कौन से बुनियादी पहलुओं पर आधारित है? सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा संरचना और व्याकरण, कल्पना और सृजनशीलता। तो इसका जो जवाब है वो सभी आएगा, उपरोक्त सभी, और वो विकल्प इसमें दिया हुआ नहीं है, क्योंकि जो हमारे लर्निंग आउटकम होते हैं वो सुनना बोलना पढ़ना लिखना, यानी कि जो आपने पढ़ा भी होगा सुबोपली, और भाषा संरचना व्याकरण कल्पना और सृजनशीलता, इन सब पर वे आधारित होते हैं। तो इसमें हम उपरोक्त सभी पर जाएंगे। अगला सवाल, परिवार परिणाम आधारित लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए शिक्षक अपनी सोच ज्ञान अनुभव के आधार पर किन चीज़ों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है? शिक्षण विधियों का, नवाचारों का, ICT का, उपरोक्त सभी। तो उसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिका होती है? अध्यापक उपस्थिति पंजिका, शिक्षण संग्रह, शिक्षक डायरी, लोग बुक। तो इसका सही जवाब है शिक्षक डायरी। अगला प्रश्न, सफलता ही सफलता को जन्म देती है, यह उक्ति किस मॉड्यूल की है? प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा तालिका, आधारशिला, ध्यानाकर्षण या फिर शिक्षण संग्रह। तो मित्रों, इसका सही जवाब है शिक्षण संग्रह। आपको ध्यान होगा शिक्षण संग्रह में प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी दी गई है, और उसमें ए से लेकर जो जेड तक के अल्फाबेट है उनके मीनिंग बताए गए हैं। तो उसमें जो एक लेटर आता है हमारा एस, एक अल्फाबेट होता है एस, एस फॉर सक्सेस। तो वहां पर इसका वर्णन किया गया है कि सफलता ही सफलता को जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला किस शिक्षा को क्या है? उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों हस्तपुस्तिकाओं का विकास किस समूह द्वारा किया गया है? केंद्र गुणवत्ता समूह द्वारा, राज्य गुणवत्ता समूह द्वारा, NGO द्वारा या फिर ARP समूह द्वारा। इसका जवाब है राज्य गुणवत्ता समूह द्वारा। अगला प्रश्न, आधारशिला मॉड्यूल का चित्रांकन किसने किया है? श्री रविकांत श्रीवास्तव, श्री मुकेश अग्रवाल, श्री इमरान खान, श्री नरेंद्र वर्मा। सही जवाब है श्री रविकांत श्रीवास्तव। अगला प्रश्न, एक प्रक्रिया आधारित जांच बिंदु है जिन्हें शिक्षक अपनी शिक्षण योजना की प्रक्रिया में गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप में अंकलित कर सकते हैं। सीखने का प्रतिफल, सीखने संबंधी परिणाम, शिक्षण अधिगम परिणाम, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगला सवाल, जिस प्रकार बीज में विशाल वृक्ष के रूप में विकसित होने की संभावना छिपी रहती है, उसी प्रकार बच्चों में अनेक अंतर्निहित क्षमताएं होती हैं, मॉड्यूल में यह कथन किसका है? डॉक्टर सतीश चंद द्विवेदी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा मनीषा त्रिघाटिया, सचिव बेसिक शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा। अगला प्रश्न, कौन सी अवस्था व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से एक निर्णायक अवस्था होती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था या प्रौढ़ावस्था। सही जवाब है शैशवावस्था। अगला प्रश्न, अकादमिक संदर्भ समूह के कौन कौन से स्तर हैं? राज्य स्तर पर राज्य संदर्भ समूह, जिला स्तर पर अकादमिक रिसोर्स पर्सन, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, उपरोक्त सभी। राज्य संदर्भ समूह एवं अकादमिक रिसोर्स पर्सन दोनों ही। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ई,
राज्य संदर्भ समूह एवं अकादमिक रिसोर्स पर्सन दोनों ही। तो मित्रों ये थे जो 20 प्रश्न जो अलीगढ़ के पेपर में पूछे गए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, साथ ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।